आपने सुना? कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, तो मुझे भी अच्छा लगा और ब्रांड को भी अच्छा लगा, और हमारी सेकंड ईयर है कोलैबोरेशन का यामा के साथ। मुझे बहुत मज़ा आया गाना बनाने में, शूट करने में। मैंने गोवा में शूट किया है, पूरी फेस्टिव फील दिया है। और या आई होप इट, ये मैंने इसको किसी ब्रांड गाने की तरह नहीं बनाया, मैंने इसको एक गाने की तरह ही बनाया जिसमें यामा फिट हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो ये गाने की तरह ही मुझे लगता है इसको काम करना चाहिए। प्रेशर यही था। एग्जैक्टली, बहुत सही बात करी है। प्रेशर यही था कि पहला गाना इतना अच्छा बन गया तो सेकंड गाना भी बनाना था, वो फीचर है उसको सेकंड गाना और उससे बेटर करना था। तो आई एम फॉर्चुनेट, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आई हैव बीन एबल टू क्रैक दैट, नेल कर दिया है। बट बाकी तो जनता फैसला सुनाएगी। नहीं, वाकई में बहुत अच्छा गाना। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी तभी तो हम लोग साथ में आज भी, और हम सोच रहे हैं कि और आगे साथ में चलना चाहिए बादशाह के साथ, बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक्चुअली क्या, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया और दिया कस्टमर। एंड ऑफ द डे जो हमारे लिसनर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, अगर वो खुश हैं तो सभी खुश हैं, सभी खुश हैं। दैट्स द एंड। सर, ये गाना एड के लिए रिलीज होगा, क्या बहुत मेरे लिए कितनी बड़ी बात है यार। मतलब बस अब थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी में बदलाव भी आएगा कि पहले मैं जब टीवी देखता था तो जब ऐड आती चैनल चेंज कर देता था। अब देखूंगा ऐड हाँ, क्योंकि मैं खुद हूँ और इतना बढ़िया गाना है कि चेंज क्यों करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ तमिल पोर्शन, तमिल पोर्शन एक सिंगर हैं, तमिल एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं, जिनका नाम है जेरेमाया, एंड्रिया जेरेमाया। बहुत ही उन्होंने खूबसूरती से गाया उसको, उन्होंने मेरे तमिल लिरिक्स भी लिखे और वो वीडियो में भी। इस गाने के पीछे तो यार यामा को ही क्रेडिट देना चाहूँगा कि इनकी वजह से ये गाना बना है। गाना बनाने में जो आपकी, नहीं, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। और लिखा जो तमिल पार्ट है एंड्रिया जेरेमाया ने किया है, बाकी प्रोग्रामिंग म्यूजिक सारा कुछ मैंने किया। वीडियो उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया।